जी, आज मंदिर मठ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इको फ्रेंडली लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाएगी, इसके संबंध में थोड़ी जानकारी जान सकते हैं। आज का जो हम लोगों का प्रोग्राम है विशेष उस पर है कि किस तरह हम प्रकृति के रूप में आस्था से जुड़ पाएँ और कैसे हम लोग पूजन विधि कर पाएँ, क्योंकि दीपावली के जस्ट बाद आप देखेंगे हर पेड़, हर चौराहे और हर मंदिर, हर उन जगहों पर जहाँ पे हम लक्ष्मी गणेश जी को नहीं देखना चाहते हैं, हम देखते हैं सारी मूर्तियाँ वहीं पे कलेक्ट हो जाती हैं। और चौराहों पे तो जान लगता ही है, नदी में इस तरह सामग्री को और भगवान को फेंकते हैं, नदी तो प्रदूषित ही होती है, साथ में हमारे जो भगवान जिनकी हम वर्ष भर पूजन अर्चन करते हैं उनका भी अपमान होता है। तो उस प्रयोजन के नित्यार्थ हम लोग ने आज बच्चों को, बड़ों को और उनके पेरेंट्स को बुलाया है और उनको मिट्टी के बीज से मिट्टी लेंगे और पौधों के बीज लेंगे, उससे गणेश जी बनेंगे। और जब आपका पूजन हो जाएगा और आप उनको किसी गमले उसमें डालेंगे तो जो बीज है वो अंकुरित होकर पौधे बन जाएंगे। तो किस तरह हम प्रकृति के संरक्षण से रुक के अपने पूजन कार्य को कर सकते हैं ये आज सिखाया जाएगा। और एक या डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा, सारे लोग उसे सीखें, घर पे बनाएं और उस रूप में ही भगवान की पूजन करें। आप चाहे तो जब आपके लक्ष्मी गणेश जी बन जाए तो आप उनको वाटर कलरिंग कर सकते हैं, जिससे कि प्रकृति के जो कलर हैं उससे बनेंगे तो हमारा संरक्षण तो होगा ही, और हम जब बना रहे होंगे तो हमारी आस्था और उनमें जुड़ती है और हमें अच्छा लगता है कि इनको कैसे खूबसूरत करना चाहिए। तो आज का ये प्रयोजन है, सारे लोग आज सीखें और इसको बनाएं। कामेश्वर मठ मंदिर में इको फ्रेंडली लक्ष्मी गणेश बनाने की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को धर्म से जोड़ना और प्रदूषण को नियंत्रण करने का है। ETV के लिए रितेश यादव, लखनऊ।